अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। Thank you.
फसलों खराब को लेकर यहाँ पे देखने में आया कि पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी जुमा जपटी भी साफ नजर आई है। क्या पूरा मामला था कि कांग्रेस आज देखिए मामला ये है कि जो पिछले थोड़े दिन पहले एक महीने पहले भयानक सूखा पड़ा, उसके बाद लगातार बारिश आई तो किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब शिवराज सिंह मैदान में उतरे थे कि किसानों को 40,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाए, लेकिन आज मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि आज आप कहाँ हैं? आज आप चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और वो अन्नदाता आज खून के आंसू रो रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन आप आज किसान और जवान की बात नहीं करते। चोरी की सरकार बनाकर सत्ता में आए शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की पूरी जनता को बेहद तानाशाही रवैये से आज पूरी जनता जो है परेशान है। जवान की बात करूँ, बेरोजगार की बात करूँ, आज उसके पास रोजगार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार की बात नहीं। आज आपका किस तरह का प्रदर्शन था यहाँ आए? आज हम लोग सोयाबीन के जो अतिवृष्टि से जो सोयाबीन खराब हुआ है उसकी मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, ज्ञापन देने आए थे, संज्ञान में लाना चाहते थे कि आए, लेकिन आज शिवराज सिंह के आदेश पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश पर आज हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और किसान भाइयों को जो कि 150 से 200 किलोमीटर दूर से यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, उनके साथ हमारा दमन किया, हमको गिरफ्तार किया गया। ये शिवराज सिंह की दमनकारी नीतियाँ हैं। अब केवल 2 माह बचे हैं, इसके बाद इस देश का जवान, इस प्रदेश का जवान और प्रदेश का किसान मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है, आपका नाम और पद? मेरा नाम ओम जाट, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस। ऐसी स्थिति बनी कि आपको जेल भेज दिया गया है। विगत 5 दिनों से जो सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है उसकी मांग को लेकर 40,000 रुपये मुआवजे की मांग को लेकर प्रति हेक्टेयर हम यहाँ पर आए थे, धरने बैठे। 5 दिन धरने में कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा हमसे बात करने नहीं आया। प्रशासन कुंभकर्णी ने सोया हुआ है, किसान की फसल लगातार गिरती अतिवृष्टि से खराब हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान जी का कहना था कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता जब 2019 में वो सरकार से बाहर थे तो मैं किसानों की मिट्टी भी खरीद लेता, कमलनाथ जी 40,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दें। आज मैं कहता हूँ कि आज पूर्ण रूप से फसल नष्ट हो चुकी है। रात को भी इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया था। प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन 40,000 प्रति हेक्टेयर की मांग हमारी पूरी करें सोयाबीन को लेकर। जब हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए, हमारी इच्छा थी कि हम कलेक्टर साहब से बात करें, कलेक्टर साहब मिलने नहीं आए। एसडीएम साहब आए, जब एसडीएम को हम ज्ञापन पहले दे चुके थे वहाँ मिलने नहीं आए, तो हम एसडीएम से क्या क्या विश्वास करते हैं? हम कलेक्टर से बात करने के लिए आए थे, हम सोयाबीन की अर्थी लेके आए थे। सोयाबीन को आप देखिए कि सोयाबीन की स्थिति क्या है, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर चल रहा है। आज भी देखने में आया जब हम खातेगांव से आ रहे थे तो विधायक जी, खातेगांव विधायक जी आशीष शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को
पुलिस संरक्षण में लेकर पुलिस खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की पोशाक पहन के, टोपी और उनका गमछा पहन के एक ढाबे पर सब लोग खाना खा रहे थे, पुलिस उनकी सिक्योरिटी कर रही थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस भोपाल लेके जा रही है। आज नरेंद्र मोदी जी वहाँ आ रहे हैं तो हम जब कलेक्टर से बात करने के लिए आए थे तो चूंकि वो ऊपर के सारे चलते हैं उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, और जब हमने ज्ञापन से मना किया और हम अड़े रहे तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारी महिला नेत्रियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया और हमें जबरदस्ती बंद कर यहाँ जेल लाया गया है। मनीष जी, आप हमेशा किसानों की बात रखते हैं और आज जब किसानों की बात रखने आए आटे का जो रेट है, जो आम आदमी के थाली में जो रोटी है वो 30 से 50 रुपये किलो का आटा आ रहा है और किसान को समर्थन मूल्य 2100 रुपये मिल रहा है। ये व्यापारियों की सरकार है, व्यापारी जो है जिस तरीके से सरकार को मोड़ते हैं और अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं, दो बड़े देश के बड़े व्यापारी हैं, तो उनके हित में ही ये निर्णय लेते हैं। और जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून के लिए आंदोलन चले गए थे उसमें यही बात थी कि प्राइवेटाइजेशन और जमीन का अधिग्रहण रोक कर किसान हित में निर्णय लिया जाए। किसान का सब्जी, किसान का की सारी उपज खेत में कम मिलती है, मंडी में कम मिलती है, लेकिन व्यापारी के पास जाके बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बड़ी कमीशन खोरी का धंधा होता है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई तरह से लीन है। हमारा आंदोलन सफल है, हम लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आए थे, पुलिस ने दमन की नीति अपनाई है और इन दमन से डरते नहीं है। कांग्रेस ने आज़ादी के पहले भी देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी के बाद जहाँ जहाँ गलत होता है, अत्याचार होता है, हम लोग लड़ते हैं। तो ये इस तरीके के आंदोलन लगातार करते रहेंगे, पुलिस चाहे कितनी बार बंद करे, लाठीचार्ज करे, जो दमनकारी नीति अपने नहीं करे, जनता के हित में, किसान के हित में, युवाओं, दलितों, शोषितों की आवाज़ बनकर हम खड़े रहते हैं और रहेंगे। सर, किसान कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैनर तले आज जो एक प्रदर्शन हुआ अपनी मांगों को रखने के लिए, कलेक्टर कार्यालय घेराव किया कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मनीष चौधरी द्वारा, ये जीतू काका को बुला लिया गया था भोपाल चौराहे पर गाली का कार्यक्रम करने के पश्चात द्वारा कलेक्टर कार्यालय जिस पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाए गए थे और ज्ञापन संबंधी बात कई लोगों का वो विरोध करने पर जो है वो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिला जेल भेजा गया। कितने लोगों के पुलिस अभिरक्षा में लिया गया? ये जेल वाहन में भेजा गया है, वहाँ पहुँचने पर जो है जब गिनती के बारे में आपको अवगत कराया। सर, मूल रूप से क्या मांगे थी उनकी? सोयाबीन की फसल के संबंध में मुआवजा बढ़ाने के संबंध में। सर, उनका कहना था कि खाते गाँव में पिछले 4 दिनों से धरने पर हैं, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया, इसलिए उन्हें देवास आना पड़ा। ये देवास आए और तत्काल जो है SDM महोदय आ गए पर वो ज्ञापन देने की तैयार नहीं थे, बताए। सर, आज युवक कांग्रेस का खातेगांव कन्नौज के किसानों को लेकर एक आंदोलन था, क्या था पूरा मामला? और वो किसानों की समस्याओं को लेकर, खासतौर से जो अनावृष्टि और अतिवृष्टि हुई थी, फसलों की क्षति को हुई थी, उसी के संबंध में ज्ञापन लेकर आए थे और उनका मुझे लगता है कि थोड़ा सा उग्र हुए थे तो गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के बाद प्रतिबंधात्मक सेक्शन 151 के तहत गिरफ्तारी करके वो चल के अपने रिहा किया जा रहा है और उनके ज्ञापन पर में दिए हुए बिंदुओं पर सरकार ऑलरेडी विचार कर रही है और जो कुछ भी उचित होगा उसमें किया जाएगा। पुलिस से झड़प भी हुई, कुछ हल्का बल प्रयोग भी किया? नहीं, जहाँ भीड़ रहती है वहाँ थोड़ा बहुत रहता है, एज सच वो कोई इंटेंशन वाला काम नहीं था। क्या मांग थी लोगों की? क्या किसानों के खेतों का सर्वे कराया जाए और उसका प्रतिकर दिलाया जाए, इससे यही मांग थी।